का, तो इस वजह से टीएस सिंहदेव जी आपसे मेरा सवाल है, छत्तीसगढ़ की आज की रिपोर्ट क्या बताती है? मध्य प्रदेश में तो सब कुछ बहुत खुशनुमा नजर आ रहा है, लेकिन वहां पर आपकी सरकार है, क्या है वहां की रिपोर्ट? एक बजे तक 1414 लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया था और 97 केंद्रों में ये चल रहा है, 2800 जिले में ये चल रहा है और अभी तक जो भी रिपोर्ट आई है सकारात्मक आई है। ठीक है, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी आगे का रोल आउट प्लान क्या रहने वाला है छत्तीसगढ़ का? हफ्ते में 4 दिन वैक्सीनेशन होगा, ट्यूसडे फ्राइडे संडे को छोड़ के, मंगल को, शुक्रवार को अच्छा और इतवार, ये 4 दिन को छोड़ के लगातार वैक्सीनेशन, और अभी 97 केंद्रों में हो रहा है, 1350 केंद्र चिन्हांकित किए गए हैं, हाँ उन 1349 केंद्रों में पारी पारी ये होगा। ठीक है, एक और सवाल, कुल कितना वक्त लगेगा पहले चरण को पूरा करने में, अगर सिर्फ मैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करूं तो? हर केंद्र में 100 लोगों को लगना है, अगर 1350 केंद्र एक साथ वैक्सीनेशन करेंगे तो ये 1,35,000, हाँ 1,35,000 एक दिन में वैक्सीनेशन हो जाता है और टोटल हमारे 2,70,000 है, उस हिसाब से तो 2 दिन में ही वैक्सीनेशन हो जाएगा, लेकिन क्रमशः बढ़ाएंगे। अभी 97 है, 97 से जहां जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से बढ़ाएंगे और 28 दिन पूरे होने के बाद जो सेकेंड डोज लगना है उसकी भी तैयारी करनी है, तो जिन लोगों ने आज लगाया है उनका रिकॉर्ड कोविन ऐप में भी और हार्ड कॉपी में भी हम लोग के पास है, उन ठीक लोग है को 28 दिन पूरा होने के पहले सूचना सर, देके एक और छोटा दोबारा सा फिर जवाब टीकाकरण केंद्र मैं में आपसे बुलाया जानना जाएगा। चाह रही हूं, चूंकि आप अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, आप यहां पर सुन रहे होंगे विश्वास सारंग साहब को भी, और इसके अलावा किस तरह से सत्येंद्र जैन जी ने भी अपनी बातें कही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या टीके को लेकर सारी आशंकाएं दूर हो गई हैं? कोई शंका तो नहीं है मन में, क्योंकि मनीष तिवारी आप ही की पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि पहले किसी नेता या मंत्री को लगा लेना चाहिए टीका। एक बात आती है हाँ इसमें, मैं राजनीतिक बयान में कोविड के संबंध में नहीं पढ़ना चाहता, मैं केवल तार्किक रूप से इस बात को रख रहा हूं कि कुछ लोगों में अगर शंका है, कई लोगों में शंका है, इसमें कोई दो बात नहीं है, तो अगर कोई ये कह दे कि ये नेता लोग पहले क्यों नहीं लगा रहे, मंत्री क्यों नहीं लगा रहे, मुख्यमंत्री पहले, प्रधानमंत्री क्यों नहीं पहले लगा रहे, हम हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं लगा रहे, तो ये बात आती है कि ये जनप्रतिनिधि लगा लें, और जनप्रतिनिधि अगर पहले लगा लेंगे तो कोई दूसरा खड़ा होके ये बोलेगा कि देखिए ये दूसरों को पहले नहीं लगाया, देशवासियों को पहले नहीं लगाया और नेता लोग पहले लगा लिए, तो ये तर्क जब आते हैं तो उसमें स्वयं के लिए बचाव की बात ना देखते हुए जो लोग एक्सपोज ज्यादा होते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है कि जनप्रतिनिधि भी बहुत ज्यादा एक्सपोज हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज हैं, जैसे मीडिया के लोग बहुत ज्यादा एक्सपोज हैं, लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने अगर ये प्रोग्राम बनाया कि पहले इनको लगना, फिर इनको लगना, फिर 50 साल से ऊपर की उम्र वालों को सबको लगना है, तो जनप्रतिनिधि भी सारे 50 साल की ऊपर में आ जाएंगे, पहले लगाने में शायद केवल तर्क यही है कि पहले लगाइएगा तो कहेंगे कि अपने को पहले लगा लिया, खुद सुविधा ले ली, पब्लिक का ख्याल नहीं किया, नहीं लगाया तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई देखिए रिस्क नहीं लिया, दूसरे को रिस्क में डाला, लेकिन ये क्लियर है कि रिस्क नहीं है, और जरूर अगर रिस्क होता तो फिर उदाहरण के लिए सामने आने की बात ये लाजमी शायद हो सकती तो थी, लेकिन आपके नेता वैज्ञानिकों रह ने दुनिया रहकर में सवाल कहा है, क्यों खड़े करते देश के हैं, भी ये भी तो महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने सवाल कहा है है टीएस सिंहदेव कि जी, लाभ कितना लेकिन होगा ये हाँ किसी को आज के दिन नहीं मालूम, कि आपको कवरेज 10 साल की होगी कि 10 महीने की होगी कि आजीवन होगी, ये हमको अभी नहीं मालूम।